देश में सितंबर महीने के अंत के साथ ही मानसून की विदाई भी शुरू हो जाती है। इसके बाद हल्की ठंडक दस्तक देनी शुरू कर देती है, लेकिन महाराष्ट्र पहाड़ी इलाकों और यूपी के कई इलाकों में हो रही जोरदार बारिश ने इसे गलत साबित कर दिया है। इन प्रदेशों में भारी बारिश को देखकर लग रहा है कि मानसून अभी जल्द जाने के मूड में नहीं है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। दिल्ली की बात करें तो यहां हल्की बरसात की संभावना है। तो आइए जानते हैं 27 सितंबर के दिन देश का मौसम का हाल कैसा रहेगा। पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। तो देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां 27 सितंबर को गरज चमक के साथ हल्की बरसात देखने को मिलेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बाकी दिनों की बात करें तो 28 सितंबर को भी कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने वाला है। 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। इस बीच अधिकतम तापमान 36 तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दिल्ली से सटे राज्य पंजाब, हरियाणा और दोनों की राजधानी चंडीगढ़ की बात करें तो 27 सितंबर को तीनों ही जगह मौसम साफ रहेगा, बारिश की कोई भविष्यवाणी नहीं। पंजाब की बात करें, 27 सितंबर से 23 अक्टूबर तक आसमान साफ रहेगा, किसी तरह की बारिश की संभावना नहीं है। हरियाणा और चंडीगढ़ का भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है। बात करें पहाड़ी राज्यों की तो जम्मू कश्मीर, गिलगित, बल्टिस्तान में 27 सितंबर को गरज चमक की संभावना है। 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा, इस दौरान बारिश नहीं होगी। हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ अभी बारिश थमी नहीं है। उत्तराखंड की सबसे पहले बात करें तो यहाँ 27 सितंबर के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं 28 सितंबर को भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 19 सितंबर को गरज चमक की संभावना है। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कोई अलर्ट नहीं है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 27 सितंबर को यहां भी भारी बारिश का अलर्ट है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भी मानसून जल्द जाने के मूड में नज़र नहीं आ रहा है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 27 सितंबर को इन इलाकों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दोनों इलाकों में 28 सितंबर को भी ऐसे ही मौसम रहने वाला है। इसके बाद 2 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। राजस्थान की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 27 सितंबर को गरज चमक के साथ येलो अलर्ट घोषित किया गया है। यही मौसम 28 और 29 सितंबर को भी रहेगा। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में मानसून रिटर्न ने सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र को बेहाल कर दिया है। अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। लोगों की रोजमर्रा पर असर पड़ रहा है। हर ओर जल भराव ने लोगों को दफ्तर या जरूरी काम करने से वंचित कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि 27 सितंबर को थोड़ी राहत मिल सकती है। स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद है। रेलवे और फ्लाइट पर भी इसका जोरदार असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।